पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच से पता चला है कि दो पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ, उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे, जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने यह घटना कारित की है, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलाह से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा, तब उसके बाद गोली चलाई है, और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें ये भी बात अभी तक पता चली है कि इनका ये आपस में रिश्तेदार है। जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है, वो उनके चचिया ससुर है। तो ये इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद का स्वरूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असलाह है वो बरामद किया है। 315 बोर की वो राइफल है, और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे, जहाँ पैमाइश हुई थी, और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है, जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद था? क्या पुलिस को कोई जानकारी थी? इनमें जमीनी विवाद जो था वो एसडीएम के साहब के कोर्ट में चल रहा था, और इसके पश्चात जब अभी तक की जो जानकारी आई है, उसमें यह है कि जो एसडीएम कोर्ट का जो प्रकरण है वो खारिज होने के पश्चात ये पैमाइश करने के लिए यहाँ लेखपाल आए थे। अभी तक जब ये पैमाइश के लिए पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके कारण वहाँ पर इनके साथ लेखपाल जो आए थे उनके साथ पुलिस नहीं थी। पैमाइश में जो विवाद हुआ, उसके पश्चात यहाँ आकर घर में बात हुई है। कुछ विवाद मौके पे हुआ है, कुछ विवाद यहाँ पर आके घर पे हुआ है, और वाद विवाद के पश्चात जो है वो असलाह का प्रयोग करके ये घटना कारित की गई है। क्या सर पैमाइश का आदेश था किसी सक्षम कोर्ट से या किसी अधिकारी के स्तर से? फिलहाल इसकी जानकारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पैमाइश जो हुई है उसमें चूंकि थाने को सूचना नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर फोर्स नहीं था, और विवाद जो चल रहा था वो चूंकि एसडीएम कोर्ट में भी था, तो ये पुराना लंबित विवाद था। तो अभी इस पूरे प्रकरण की जानकारी की जाएगी, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ जिस तरह की बात हुई है परिवार से, और जिस तरह से उनका एक दूसरे से रिश्तेदारी है, जान पहचान थी इनकी, वाद विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद असलाह का प्रयोग किया गया है। हम इसमें शीघ्र इन लोगों की गिरफ्तारी करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई आरोपी जो बता रहे लल्लन, क्या वो हिस्ट्री शीटर भी है? और अगर हिस्ट्री शीटर है तो उसका असलाह कैसे बना? इन सब चीज़ों की जानकारी की जाएगी। अभी परिवार से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे हैं, और इसके बावजूद जो है वो वर्ष 2000 में इनका असलाह बनने की बात संज्ञान में आई है। इस प्रकरण की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध कोई अगर अभियोग पंजीकृत है तो किस प्रकार से इनका असलाह बना, ये भी संज्ञान में आया कि उनके पास एक पासपोर्ट है। अब ये किस तरह से हुआ, ये भी एक जाँच का विषय रहेगा, क्योंकि इन जो एक्यूज है, मेन एक्यूज जो सिराज अहमद है, उनके दो बेटे पोलैंड में रहते हैं।